और अपने को मोटो ब्लॉगर्स को भी ध्यान देना पड़ता है कि बेटा बात करते करते कहीं घुस ना जाइयो। तो चलिए इस पॉजिटिविटी के साथ में लव यू ऑल, लद्दाख विदाख का प्लान भी जारी है, थोड़ा सा त्रिंबकेश्वरम भी जाना है, लद्दाख से ज़्यादा हम केदारनाथ वाले हैं यार, तो केदारनाथ का राइड होने वाला है। सो गुड आफ्टरनून यूट्यूब, बज रहे हैं लगभग 2 और फिर भी आप देखेंगे मौसम तो कुछ अलग ही लग रहा है। ओए है, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो भाई साहब पूरी दुनिया, लगभग मैं बोलूँ तो पूरा अपना इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी राइडर हैं, सब लोग पहुँच चुके हैं लद्दाख। मतलब मैं बात करूँ चाहे वो मेहुल कुमार हो अपने मुंबई से, यहाँ तक कि अपने एक भाई है, मतलब मैं इतना उनको नहीं जानता, बट वो भी एक्टिवा से गए हैं लद्दाख। तो भाई मतलब हैट्स ऑफ है, मतलब मैं मानता हूँ, बट प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए कि थोड़ा सा यू नो सेफ्टी के साथ जाइए। वैसे लद्दाख जा रहे हैं तो पूरी सेफ्टी विफ्टी लेकर के ही जा रहे हैं, फिर भी यार मतलब सोचिए ना, एक्टिवा पे लद्दाख मानना पड़ेगा। वैसे स्प्लेंडर पे भी हमारे कुछ मित्र गए हैं और हमारे एक पहचान के हैं, वो तमिलनाडु से हैं, वो स्प्लेंडर पे गए हुए और काफ़ी लोग अब जाते हैं, मतलब बाइक डजेंट मैटर वो वाली बात है, काफ़ी लोग अब अच्छा खासा यू नो बिकॉज जो असली राइडर होता है वो हर बाइक की रिस्पेक्ट करता है, चाहे गाड़ी कोई भी हो, चलाना तो है, मशीन ही तो है, उसका क्या घमंड करना। सो काफ़ी लोग यू नो लद्दाख जा रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं, अपर मस्तांग जा रहे हैं, भूटान की राइड कर रहे हैं, बट भाई साहब हमारे मुंबई का अलग ही सीन है यार। यहाँ से निकलने में ही यू नो अपना एक तो थोड़ा सा कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ा अप डाउन है, वरना अपना बहुत प्लान था लद्दाख जाने का, लास्ट ईयर का ही प्लान था, 2019 का एंडिंग अपन ने सोच के रखा था 2018 में कि अपन 2019 में जाएंगे, फिर 19 वाला थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ तो हम लोग ने सोचा मई के 2020 में जाएंगे, लेकिन तब तक लॉकडाउन आ गया, फिर उसके बाद तो 1.5 साल हो गए यही सोच रहे, मतलब काफ़ी पेंडिंग है प्लानिंग। हितेश और मैं जब भी मिलते तो यही बात करते हैं, मदीन भाई से भी यही बात करता हूँ, लद्दाख कब जा रहे, लद्दाख कब जा रहे, वो बोलते यार प्लान बनाते जाते हो, अप्लाई तो हो नहीं रहा है, तो जब जाना होगा जाएंगे, मतलब अब ऐसा हो गया कि परेशान हो गया, अब जब जाना होगा तब देखा जाएगा। सो भाई साहब अलग ही मज़ा आता है, थोड़ा सा जब दूर आप ट्रैवल करते हैं, खुली वादियों में जाते हैं, पहाड़ों के बीच में आप होते हैं, एक अलग ही फ्रेश हवा। देखिए मैं थोड़ा सा ना बाइक टाइप का पर्सन हूँ, मुझे कार इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब पता नहीं यार कार में ना ड्राइवर वाली फीलिंग आती है, इवन मैं कभी कभी बाइक जब स्लो चलाता हूँ तो मैं ऐसे हेलमेट ओपन कर देता हूँ, तो एक अलग ही स्मेल, अलग ही फील आए है, और ये अलग सी गाड़ी की हल्की सी रंबलिंग की साउंड, इंटरसेप्टर की भी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई भी गाड़ी आप मुझे दे दीजिए, मुझे सारी गाड़ियाँ पसंद है यार। तो मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं भी सोच रहा हूँ इसके ऊपर बहुत सारे लॉन्ग ट्रिप्स करूँ, बिकॉज कैसे है कि माइलेज बहुत अच्छा दे देती है, और मुझे कोई भी गाड़ी दे दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है गाड़ी कौन सी है, बस हाँ एक बार थोड़ा बड़ी गाड़ी का चस्का चाहिए था, तो दोस्तों से बार बार मांगने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो अपन ने ले ली थी इंटरसेप्टर, और ये तो है ही हमेशा, पहले अपने पास शाइन थी, होंडा शाइन, तो उसको निकाल करके अपन ने ये ली, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यामा FZ है, वो भी बेचारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मतलब पुरानी इन द सेंस नॉट ईयर्स, चलने में काफ़ी मतलब मोर देन 1 लाख किलोमीटर हो चुके हैं उसके भी, तो अपन सोच रहे हैं कि एक दूसरी बाइक ली जाए। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे कोई बाइक, पर्टिकुलर बाइक के और वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सेप्ट यूनिकॉर्न, क्योंकि यूनिकॉर्न मुझे बहुत पसंद है और हमारा चैनल भी इसकी वजह से मोनेटाइज हुआ है, क्योंकि जो हमारा माइलेज टेस्ट वाला वीडियो है यूनिकॉर्न का, वो अराउंड 65,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, तो उसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और इसीलिए मैं इस बाइक के थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गया हूँ, बिकॉज इसने मेरी यूट्यूब की जर्नी में काफ़ी हेल्प की है। तो भाई साहब कल एक नई नई चीज़ आई है हमारे पास, वो है हमारा कैमरा, सो मैं ट्राई करूँगा उसकी भी अनबॉक्सिंग बनाने का। अनबॉक्सिंग क्या बनाओ यार, आपको मैं दिखा दूँगा बॉक्स में क्या क्या आता है, थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूँगा, वैसे जो लेना चाहता है वो बहुत सारी चीज़ें जानता ही है ऑलरेडी, बिकॉज DSLR बिगनर वाली चीज़ तो है नहीं, थोड़ा सा कैमरे का नॉलेज होता ही है तो ही वो लोग लेते हैं, तो उसका भी वीडियो आने वाला है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि फ़ोन थोड़ा सा हमारा मूडी है, कभी कभी बहुत अच्छी रिकॉर्ड करता है, कभी कभी यू नो
लाइट अच्छी नहीं रही तो अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। फिर थंबनेल लिमनेट बनाने के लिए भी मैंने सोचा चलो यार एक कैमरा ले ही लेते हैं, ऐसे ही लेना तो है ही, तो यही सोचा मैंने। और कैमरा भी आ गया, उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा, कौन सा कैमरा है, कैसा कैमरा है, कैनन M50 Mark II अपन ने लिया है, तो कैसे क्या है, कैसा दिखता है, क्या होता है, उसका क्वालिटी कैसा है, मैं सारी चीज़ें किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, काफ़ी दूर जा रहे हैं वैसे तो समझ लीजिए सिटी की लॉन्ग राइड हो जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं लगभग, मैं रहता हूँ भाईंदर में तो जा रहा हूँ मैं बांद्रा अपने मतिन भाई से मिलने के लिए। कुछ नया उन्होंने शुरू किया है, वैसे वो बाइक्स में है और मैं भी बाइक से ज़्यादा अटैच हूँ, तो मैं उनसे बहुत मिलने जाता हूँ बार बार, तो आपने मेरे चैनल पर उनको देखा है, उनकी बाइक्स को देखा है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया मुझे बताते रहते हैं, तो तहे दिल से उनका शुक्रिया कि मैं नया नया उनसे कुछ सीख रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने दो ही लोगों से बहुत कुछ सीखा गाड़ियों के बारे में, एक मतिन भाई और दूसरे हैं अपने हितेश राणावड़े, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया ये दोनों लोगों को, मतलब मैं कभी तो नहीं भूल सकता। हितेश तो मेरा बचपन का फ्रेंड है, कहते ना लंगोटिया यार, एकदम जब हम छोटे छोटे थे तब से वो है। तो उसने मुझे, जब मुझे पहले गियर शिफ्टिंग सही से नहीं आती थी, तो उसने मुझे सिखाया था कि गियर शिफ्टिंग कैसे की जाती है, और जब गाड़ी को ओपन करना है यू नो, जैसे टॉप एंड चेक करना है या फिर स्ट्रेट ओपन करना है, तो उसने मुझे सिखाया। बट एक्चुअली वो ऑफ रोड बहुत अच्छा करता है, अगर आप लोगों ने राजमाची की राइड में नहीं देखा तो हितेश को देखिए, बुलेट पे ऑफ रोड कर रहे हैं और ख़तरनाक वाला कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं डाले हैं बिकॉज उसकी स्किल्स भाई हम मैच नहीं कर सकते, और वो भी मेरी तरह एकदम बोलते ना डाई हार्ट फैन है बाइक्स का, और वो अपनी निंजा को बहुत प्यार से रखता है, इवन मैं जितना नहीं रखता वो मुझसे ज़्यादा केयर करता है, सो मुझसे ज़्यादा बाइकों से प्यार करता है मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है यार जब अपने से भी ज़्यादा कोई किसी चीज़ से प्यार करता हो और हमें उनसे सीखने मिलता हो, तो मैं तो काफ़ी चीज़ सीखना चाहता हूँ, और हम लोग ट्राई करेंगे कि अभी साथ में ही लद्दाख करें, देखते हैं थोड़ा सा यू नो उसका भी जॉब का शेड्यूल और मेरा भी जॉब का शेड्यूल थोड़ा मैच करेंगे, जब सेट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी तो जाएंगे साथ में राइड करेंगे, बिकॉज़ हम दोनों की बॉन्डिंग एक अलग ही लेवल की है, अपने को कोई टेंशन नहीं रहता, तो लद्दाख उसके साथ ही प्लान करूँगा या फिर मतिन भाई, देखते हैं। हमारे साथ एक और बंदा है हमारे नितिन परमार, वो थोड़े हमारे बाइकर नहीं है बट उनको बाइक पे घूमना ज़्यादा पसंद है, तो वो हमारे पिलियन रहते हैं, तो देखूंगा अगर लगेज के बाद भी कहीं जगह बच जाएगी तो टांग लेंगे उनको भी तो देखते हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं यार, तो एक एक करके सारे प्लान्स हम फुलफ़िल करेंगे। तो आप लोगों को मेरी जर्नी में अगर मेरा साथ देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, बहुत सारे इन द सेंस मैं सीख रहा हूँ, एवरीडे कुछ नया सीखता हूँ यार, एवरीडे वीडियो एडिट करता हूँ, एवरीडे कुछ नया नया बातें करता हूँ, एवरीडे कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चाहे वो जिम हो जाए चाहे वो बाइक्स हो जाए, ये दो चीज़ में ही मेरी दिलचस्पी है। तो जिम के ज़्यादातर चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जा करके मुझे फॉलो कर दीजिए, Dinesh_lifestyle के नाम से हूँ मैं, और बाकी सारी चीज़ें तबाही तो हम यूट्यूब पर ही मचाते हैं, तो आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा ताकि मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूँ और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, देख रहे हैं एकदम मौसम हल्का सा ऐसा लग रहा है, अभी बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, अंधेरा सा छाया हुआ है, तो शायद थोड़ा सा GoPro की लाइटिंग का अलग ही नाटक रहता है, तो पता नहीं कैसी क्वालिटी आ रही होगी, तो उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें अच्छी होगी और आपको पसंद आएगी क्वालिटी भी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, बस वाले भाई साहब ने बीच में ही रोक दी थी बस, तो थोड़ा ख़तरनाक हो जाती है ऐसी सिचुएशन, और अपने को मोटर व्लॉगर्स को भी ध्यान देना पड़ता है कि बेटा बात करते करते कहीं घुस ना जाइयो। तो चलिए इस पॉजिटिविटी के साथ में, लव यू ऑल, लद्दाख विदाख का प्लान भी जारी है, थोड़ा सा त्रिंबकेश्वरम भी जाना है, लद्दाख से ज़्यादा हम केदारनाथ वाले हैं यार, तो केदारनाथ का राइड होने वाला है, कौन सी बाइक पे होने वाला है मैं नहीं जानता, कब होने वाला ये अभी मैं नहीं जानता बट ज़रूर होगा ये कन्फर्म है। तो केदारनाथ भी जाना है यार, बहुत सारी जगह जाना है, पूरा इंडिया कवर करना है, कब करेंगे, कब हमें मौका मिलेगा, कब जॉब जॉब के बीच बीच में जैसे भाग भाग करके वीडियो बनाएंगे, तो देखते हैं, जब भी बनाएंगे आपको ज़रूर देखने मिलेंगे वीडियोज़ और हमारी पागलपंती। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।